उद्घाटन झालं. उद्घाटन सोहळा असा झाला की काय तू फटाकेबाजी बघितली, आतषबाजी बघितली आणि बोसरूने पहिल्यांदा बघितलं आहे. आणि रोशनजी साहेब, यहां पे जितने भी पढ़े लिखे लोग होंगे, पैसा कमाना होगा, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए. किस तरफ से शेयर मार्केट करना है, लैपटॉप लेने का है, घर पर बैठने का है, बस खाली शेयर खरीद के जितना है. आज 100 में लेंगे, कल 150 मिलेगा. ऐसे में जा रहा है तो रुका दो, उसके बाद फिर 130 है तो फिर खरीद लो. इस तरह से काम करते हैं. काफ़ी उनकी यूनिटी है, बड़ी बड़ी टीम है. HDSM कॉलेज में पढ़ते हैं, वसेमी कॉलेज में पढ़ते हैं, दोपहर के बाद जाते हैं, बिजनेस आगे बढ़ने का काम करते हैं कि शेयर मार्केट में लोग आगे क्यों बढ़े. बोईसर में तो काफी 2 साल से इतना ज्यादा हो रहे हैं और आपके 3-3 ऑफिस है, जो सिटी में जाएंगे. धन्यवाद सर, धन्यवाद. आपल्याला थांबवतोय. नक्कीच सन्माननीय आनंदजी प्रसाद साहेबांचं आगमन झालं आहे, ज्यांना मला पहिला बक्षीस क्रमांकाची ट्रॉफी दिली गेली आहे. आनंदजी प्रसाद सर, आपल्यासुद्धा हार्दिक स्वागत असेल, वेलकम. निश्चितच एक मोठे ॲथलीट मेरे अंडर खेला हुआ है, मैंने उसको कोचेज किया जब हम लोग बिहार से में रहते करते थे. वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, बहुत ही बेहतरीन. आनंद जी बहुत अच्छे एथलीट थे, TFS पे थे. चलो अपन इकड़े या इथे आणि दोन्ही कॅप्टन या. चलो आपण आता इथे सन्मानित करतोय या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच, ज्याने सुंदर फलंदाजी केले तो बघायला मिळतो, कीर्तेश घरात सहाय्यकता बिरवाडी संघाचा. रोशन साहेब या, आपण मॅन ऑफ द मॅच द्यायचे. जोरदार टाळ्या असायला पाहिजे, कीर्तेश घरात जोरदार टाळ्या बजाइए. क्या बढिया बल्लेबाजी की है. जसं म्हटलं जातं ना, भवानीची तलवार कशी चालावी शिवरायाकडनं, तशा पद्धतीनं तुम्हाला बघायला मिळते रोशनजी जीन यांच्याकडनं. आणि दोन्ही कर्णधारीकडे या, दोन्ही कॅप्टन. राम जन्म का जब 22 तारीख को नया मंदिर बनाया अयोध्या में, जिस सबसे दिवाली बनाई उसके बाद ये दिवाली आज. बोलो सिया रामचंद्र की, छत्रपति शिवाजी महाराज की. बघा कशा पद्धतीने माहौल बोला. सोनू जी और राम सिंहजी जितना काम किया है. या दोन्ही कर्णधार इकडे नाणेफेकीसाठी, पॅराडाईज आणि संघ मल्याळी. झालं टॉस, ओके. चला आपण स्थानापन्न होऊया. या मॅडम, हम लोग बैठेंगे यहाँ पे मॅच देखे. चला सर्व या. आनंद जी, प्रशांत जी बसायचे आपण. आणि निश्चितच आपण व्यासपीठावर बघत आहात. प्रशांतजी संख्या यांच्याविषयी म्हटलं तर प्रशांतविषयी बऱ्याच लोकांना माहिती नसेल असेल. प्रशांतजी काय की तो बेहतरीन क्रिकेटर थे. सर एक मिनिट तुम्हाला थांबवतोय, माफी क्षमस्व असावा. सर आपण टॉसकडे वळणार आहोत, आपण एंट्री करणार आहोत प्लेअर लोकांची एंट्री आणि बॅटरची एंट्री असावी आतिषबाजीमध्ये. सर टॉस झालेला आहे, टॉस झाला इनिंगमध्ये टॉस केलाय, टॉस विन झालाय आलेली संघ. आणि चला पूर्ण गॅप पूर्ण खाली करायचं आमची. पहिले आलेली संघ या, आलेली संघ आपण एंट्री करायची फर्स्ट ऑफ. चला निश्चितच प्रशांतजी संख्येबद्दल म्हणायला झालं तर अतिशय जुनेद ओ लेग साइड का पोल आहे ना, पोल बाउंड्री पोल, वहां से थोडासा पीछे हो जाइए, पोल टेढ़ा हो चुका है. जुनेद वहां पे जो प्रेक्षक है पीछे हो जाइए प्लीज. सर निश्चित थोड़ा बाहर जाना, देखो आप यहाँ पे कैच बाउंड्री नहीं बचा, बाहर नहीं. जितने भी आपको अनाउंस करेंगे उस बिल्कुल सुनना है, बाहर जाना है, क्योंकि खिलाड़ी कोशिश करेंगे, खेलने के बाद गिरेंगे तो आप भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे. बिल्कुल क्या माहौल है. अपन हर्षद एंट्री मध्ये आपण पाहू शकाल. फर्स्ट ऑफ संघ मल्याळी संघ एंट्री करेल आतिषबाजी. पहिला असा आपण स्पर्धा पाहतोय. पीव्हीटी चषकाच्या माध्यमातून सोनू यादव असतील, राहुल सिंग आणि पूर्ण पीव्हीटी कंपनी आपण पाहतो त्यांच्या माध्यमातून एक आगळी वेगळी अंडर बॉक्स क्रिकेटची स्पर्धा. चेंडू पाडल्यानंतर गाडीमध्ये ट्रॅव्हलिंग होतो वॅगन व्हील मध्ये. आणि आतिषबाजीमध्ये पाहतो आपण प्रत्येक खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. नक्कीच आतिषबाजीमध्ये आलेले संघ मैदानाच्या आतमध्ये यायचं आहे. आलेले संघ या, आलेले संघाचं आगमन होतोय थोड्या क्षणामध्ये. पाहिलं तर या कमिटीची एक गोष्ट केली तर रोहित यादव, दीपक पाठक, जुनेश शाह, नीरज यादव, खालिद खान, अर्षद खान, भावेश सिंग, दिवेश यादव, समीर शाह, फैयाज शेख, शिवम तिवारी, आशिष मिश्रा, आदित्य मौर्या, परवेज शेख, संदीप गायकवाड, संभू, हिमांशु यांनी चांगलं काम केलंय. पीव्हीटीच्या माध्यमातून एंट्री पाहू शकाल आपण झालेली आहे ती, म्हणजेच बॅटर आणि खेळाडूंची. आणि संदीप वर्मा आमचे ऑफिशियल फोटोग्राफर या स्पर्धेचे चांगले क्षणचित्र टिपत असताना SV फोटोग्राफीच्या माध्यमातून एक अप्रतिम काम आपण पाहू शकाल.
नक्कीच हा तिसरा सामना, परंतु आपण वळूया आमच्या मुख्य व्यासपीठावर जिकडे सन्मानित केले जाते आमचे मान्यवर ओव्हर टू दीपक संके सर। चला ह्या मॅचचे आयोजक ऑर्गनायझर सोनू यादव आप आइए यहाँ पे। चला आणि खऱ्या अर्थाने बघतात ना नारी शक्ती असायला पाहिजे तशा पद्धतीच्या दोन मॅडम बघायला मिळतात। एक आमचे सामाजिक बांधिलकी ज्यांना पाहिलंय ज्यांच्या सासऱ्याने खूप मोठं काम केलं, वक्ते होत्या ते निश्चितच, मी त्यांना ओळखायचो, अतिशय सुंदर वक्ते होते, अतिशय सुंदर पैसे काम बघतात, काय क्लास ऑर्गनायझर। कुंभमेळ्याचं दर्शन इथं बघायला मिळतं, बघा प्रशांतजी संख्येविषयी सर सर बॉल आपण पाहू शकाल, कॅमेरामॅन बॉलवर फोकस करायचा, अशत बॉलवर फोकस करायचा, वॅगन व्हील ताळ्या दाबायचे पिवळी चषकासाठी, अप्रतिम काम पिवळी चषकाच्या माध्यमातून पाहू शकाल। टेनिस बॉल आणि सोहेल चेंडूला उचलतोय, पिवळी चषक सुरेख काम करतोय, जबी सुद्धा पाहत असेल, अनिकेत सुद्धा आपण पाहतो, ज्याच्या मध्ये पालघर डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग ज्यांच्या संकल्पनेच्या माध्यमातून मागील दोन वर्षापासून आपण पाहतोय, त्याने सुद्धा वेगळा विचार केला असेल, गाडीमध्ये चेंडू आलाय, येणाऱ्या तिसऱ्या वर्षामध्ये आपण सुद्धा पाहू काहीतरी वेगळं करायचा प्रयत्न असेल। अनिकेत राऊत आणि पालघर डिस्ट्रिक्ट कमिटीचे नक्कीच आमच्या पाहुण्याचं आगमन होतं, कॅमेरामॅन अर्चत आपणच्या मुख्य एंट्री गेटवर कॅमेरा घ्यायचा, आतिषबाजीमध्ये आपण आमची पाहुणे पाहू शकाल येत असताना ओव्हर टू दीपक सर। आमच्या पाहण्याचं आगमन होत आहे, अल्लाली संघ धावा खेळाडू पाठवायचा, अल्लाली संघ प्लीज धावा खेळाडू आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये पाठवा, आणि खरोखरच खूप मेहनत तिकडे बघायला मिळते। पीव्हीटी कंपनी आयोजित पीव्हीटी चषक 2024 आपण या सर आई सन्ना पण होईये, बिलकुल काबिले तारीफ मैं आपके करता हूँ, जिस टीम से आप यहाँ पे हैं पीवीटी कमेटी और पीवीटी क्रिकेट की तरफ से बिल्कुल मैं शुक्रिया यूज करते हो। एक साइड पैराडाइज और एक साइड संगम अल्लाड़ी, ओवर टू यूसुफ पठान, यूसुफ सैयद। धन्यवाद दीपक सर, तो चलेंगे मैदान के अंदर जहां पर एक टीम संगम मल्याली और एक टीम ऑफ टीम नजर आएगी पैराडाइज बॉल सर। राहुल माली इस वक्त हम देख सकते हैं काफी तेज तर्रार गेंदबाज और सामने बैटर जबीर खान, पहली गेंद इस वक्त तेज तर्रार फ्लिक कर दिया लेग साइड पर, रिस्ट मणि के बैनर पर सलामी देने वाला पहला सिंगल, सिंगल के साथ यहां पर खाता खुलता हुआ जबीर खान और पैराडाइज बॉल का। देखिए रिस्ट मणि के ऑनर रोशन जी जैन इस मैच का आनंद ले रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रमोदजी तिवारी हैं एक संपा पत्रकार, साथ ही साथ प्रशांत जी संखे हल्के बल्ले से सेंसेबल क्रिकेट। सोहेल शेख की बात की जाए सभी की जानकारी के लिए कासिम शेख इनके बड़े नवाबजादे, और कासिम की बात की जाए बेहतरीन क्रिकेटर रह चुके हैं, उनके सुपुत्र हैं सोहेल शेख, अयान शेख जो पैराडाइज टीम में इंक्लूड हैं, और अयान शेख की आयु भी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं पैराडाइज के लिए। इस वक्त सिर्फ दिशादी वहां पर रुशांग गेंद को फील्ड करते हुए, अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा, छह ओवर के मैचेस हैं, सोहेल को इस वक्त सलामी बल्लेबाज के रूप में बुलाया गया, और पहली तीन गेंदें दो रन लगे हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट रिस्ट मणि अकेडमी, एक बढ़िया शेयर मार्केट कंपनी है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बहुत से प्रोग्राम्स हैं इस शेयर मार्केट में, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो रोशन जी जैन की पूरी टीम हम देख सकते हैं, हमारे मुख्य व्यासपीठ पर है जयेश चौहान और उनकी टीम, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और मार्केट में किस तरह से अपने नाम कमाना है और शेयर कार्य में किस तरह उछाल गिरा हुआ है उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। इस वक्त सिंगल तो जरूर भारतीय जनता पार्टी महिला संगठन के अध्यक्ष हम देख सकते हैं मिसेस आशीष संख्या भी इस मैच का आनंद लेने हमारे मुख्यमंत्री आनंद जी प्रसाद साहब जिनके माध्यम से पहली ट्रॉफी हमें दी गई है इस प्रतियोगिता में, उन सभी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। सेकेंड प्राइज हमें दिया गया सौरभ अप्पा युवा सेना पालघर के माध्यम से, और सौरभ अप्पा की बात की जाए तो एक बेहतरीन शख्सियत है, और सभी अच्छे काम में उनका हाथ बढ़ चढ़ कर होता है, फिर धर्मों के काम हो या फिर क्रिकेट के रिलेटिव कोई भी काम हो। ये देखते हम हमारे स्क्रीन पर शेयर मार्केट क्लासेस कंप्लीट शेयर मार्केटिंग कोर्स है, और हाल ही में नया ऑफिस ओपनिंग किया गया यश पद्म पे फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर पर, और जो यशवंत में जो पहला ऑफिस था वहां पर क्लासेस खोले जाएंगे, कारपेट मार्केट कैफे वहां पर होगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं रिस्ट मनी से। तुषार साबू सर की बात की जाए,
तुषार साबू सर पूरी टीम ने हमें जो टेंट हम देख रहे हैं हमारे प्रतियोगी में लगाया गया श्री कृष्ण रिजा के माध्यम से, ये हमें स्पॉन्सर किया गया है। तुषार साबू सर आपका भी और आपकी पूरी टीम का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। स्पेक्ट्रो पेट्रोकेम के ऑनर इनके माध्यम से हमें और उनके सहयोगी उन्हें हमें ये पूरा टेंट स्पॉन्सर किया, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। तो चलेंगे मैदान के अंदर, देख सकते हैं एक ओवर समाप्त है, मात्र 5 रन लगे। राहुल माली, शाहरुख खान के बहुत से पिक्चर में नाम देखेंगे, राहुल नाम तो सुना ही होगा। राहुल ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की, राहुल का नाम ध्यान में रखने वाला होगा। जबरदस्त बल्लेबाज को बांधे रखा था पहले ओवर में। इस वक्त पालघर का कैप्टन कूल अनिकेत राउत गेंदबाजी के लिए, फुलटॉस बॉल और टैप कर दिया पंकज है और सोनी यादव के बैनों को सलामी देने वाले 4 रन चौका। धन्यवाद धन्यवाद डीजे, जो रंग बरसेगा 25 तारीख को भारत भर में होली का त्योहार मनाया जाएगा रंग बिरंगी कलर के साथ। और ये मैं प्रतियोगिता की बात की जाए तो आने वाली जो सेमीफाइनल की 4 टीमें उन्हें भी रंग बिरंगी टी शर्ट दी जाएंगे हमारे कमेटी के माध्यम से। ओवर टू दीपक सर। यूसुफ जी, अगर ये ऊपर से कोई टैप मारेगा तो 2000 रुपए के इनाम सोनिया देव की तरफ से। लाइट के ऊपर से कोई टैप मारेगा तो 2000 का इनाम सोनिया देव की। अपन जाऊया पाहुण्यांचं स्वागत करणार आहोत। सर या मी सर्वप्रथम रिच टू रिच मनी, पैशाने पैसा कमवायचा आणि वाईट मनी दाखवतात बघा, अशा पैसे नाही आहे। लोक सारे काफी कहते की लाख रुपये रखो, 5 लाख ले लो, आने वाले दिनों में पता चला कौन कैसे दूध का दूध पानी का पानी, लोगों को पता चला फसाने वाले फस गए और लूटने वाले लूट के चला गया। पण तू खरोखरच एकदा जोरदार टाळ्या रोशनजीसाठी असायला पाहिजे, ज्याने खरोखरच भोईसरमध्ये एक वेगळं ग्लॅमर आणलं आणि बघता रोशनजी साहेब या, आपल्याला सन्मानित करण्यामध्ये आनंद होते। मी विनंती करतोय सोनू यादव यांना की त्यांना मायेची उबदार शाल आणि सन्मान चिन्ह देऊन सन्मानित करायचं। जोरदार टाळ्या रिच टू रिच मनीच्या रोशन जैन साठी डायरेक्टर आहेत, खूप आनंद होतोय आपल्याला सन्मान करताना। प्रत्येक वासियांना एक मोठं व्यक्तिमत्व, एक मोठं काम आणि एक मोठं नेक व्यवहार ज्यांनी दाखवलं, रोशनजी जैन यांचा आपण बघायला मिळतो। रिस्ट टू रिच मनीचे डायरेक्टर म्हणून कार्यरत आहेत, त्यांच्या मिसेज देखील त्यांच्या अर्धांगी देखील त्यांच्यावर काम करत असतात। गर्भामध्ये मनोसक्त 9 दिवस त्याने आनंद लुटलाय आणि अनेक तारखांना आपण त्यांच्याबरोबर पाहिलं असेल। बोईसरमध्ये वडालं की हे कोणते कलाकार आहेत, तर मी सांगितलंय रिस्ट टू रिच मनीचे कलाकार आहेत। अशा पद्धतीने ज्यांनी काम बघितलं, मग त्या उर्मिला माटण करतो, सई तमण करतो, मोनालिसा असो, रोशनजी साहेब एक मिनिट थांबा ना रोशनजी, या इस कॉम्पिटिशन के बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि हेरिटेज आइए ना उनको क्या कहेंगे, कितना बड़ा नजारा आपने देखा, किस तरफ से देख रहे हैं और कितना काफी बहुत बेहतर, आपके नजरों से कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया हुआ है सोनू और उनकी पूरी टीम ने। तो जो ऑडियंस देख रहा हूँ, ऑडियंस इतने रात के कितने बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं, ऑडियंस की भीड़ तो एकदम बहुत ज़्यादा हो गई यहाँ पे। अच्छा लग रहा है, सारे प्लेयर्स को मैं वही बोलूँगा जैसा हम सबको बोलते हैं कि कोई हारेगा कोई जीतेगा, जो जीता वो सिकंदर, लेकिन जो हारा वो भी सिकंदर ही था, तभी तो खेलने के लिए मैदान में आया था, इसलिए थैंक यू वेरी मच। और इनके बारे में एक ही कहूंगा, गुस्सा मत करना, मॉडलिंग स्टार है, क्या एटीट्यूड रखता है, पैसा देना है पैसा कमाना है तो अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे पैसे कमाओ, वेल डन, जोरदार ताजा होना चाहिए रोशन जी जैन के लिए। बैठिए सर, बिल्कुल सम्मानित करते हुए नंतर अपन जातो है अपने भारतीय मोर्चा ज्यांच्याकडे मोठं पद दिलं आहे, रूपाली संख्या मैडम या, आपल्याकडे पालघर तालुक्याची मोठी जबाबदारी दिली आहे आणि मी विनंती करतोय रोहित साहेब आपण या, ह्या मॅडमला सन्मानित करायचं आहे, कारण येणाऱ्या काळामध्ये ताई या ना आपण राखी या, चला राखी आपण बघायला जाऊ। खरोखरच एक मोठं व्यक्तिमत्व, आईची लाडली असं म्हणतायत आमच्या मॅडमच्या आहेत, ही एक उबदार शाल आमच्या ताईच्या गळ्यामध्ये टाकाकडे मावशी आहे, तुमच्या आईची मैत्रीण म्हणजे मावशी, त्याच्यामध्ये टाकायचं आणि आमच्या रुपाली मॅडमसाठी जोरदार टाळ्या असायला पाहिजेत। खरोखर ज्यांच्या घरातूनच राजकारण पाहिलं आणि आज बघता बघता सासऱ्यांच्या सासूच्या पायावर पाव देताना यांना मोठं आपण काम बघत आहोत। रुपाली मॅडम
मनापासून गर्व होते की या पीव्हीटी कंपनी द्वारा पीव्हीटी चषक 2024 मध्ये तुम्ही इकडे बहुमूल्य वेळ देऊन आलात. तुमचा आज सन्मान करण्यामध्ये आम्हाला संपूर्ण या बोईसरवासियांना आणि पीव्हीटी कंपनी पीव्हीटी 2024 मध्ये तुमचा सत्कार करताना आम्हाला मनापासून आनंद होतोय. आणि एकदा ह्या महिलांसाठी जोरदार टाळ्या असायला पाहिजेत. कितना बडा वक्त हमें टाइम दिया है कि उनको बोलेंगे तो टाइम नहीं मिलता है. संसाराच्या पुढे जाऊन तुम्ही हे काम केलंय त्याबद्दल रूपालीताई तुमचं मनापासून धन्यवाद. तुम्ही स्थानापन्न व्हा. आपण सर आपण आता जाणार आहोत. तो चलेंगे मैदान के अंदर. देख सकते क्या बढ़िया मैच चलता हुआ. और थांबा एक मिनट पाठक साहब या. तुम्हारा देखिए मैं सम्मानित करते. पाठक साहब या ना. पाठक साहब या. आनंद प्रसाद है पाठक ने. आनंद प्रसाद जी आइए. आपको सम्मानित करते हो. काफी गर्वान्वित. आप तो काफी एथलीट है. अच्छा भागते थे 400 मीटर 200 मीटर हर्डल्स लेके भागते थे. कभी कभी हेप्टोलॉन खेलते थे. और आज इतना बड़ा नेक काम करे ये सामाजिक कार्य के पीछे आपने जो वजह है. आणि आकाश सिंग यांना विनंती करतो की त्यांचा सन्मान. आकाश सिंग आई आहे. उनको सन्मानित केजिए. मायाची उबदार शाल त्यांच्या गळ्यामध्ये टाका जेणेकरून त्यांचं प्रेम उभरून येईल. आणि एक त्यांना सन्मानचिन्ह देणार. आकाश सिंग इज अ व्हेरी गुड पर्सनॅलिटी. रात के अंधेरे भी कल हमें दिखाई दिए थे. 3 बजे तक मॅच देख रहे थे. ये है आकाश सिंग. जोरदार टाळ्या असायला पाहिजेत. एक मोठे व्यापारी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलंच जाते आणि सन्मानित करतात. खरोखरच आनंद प्रसाद तुमचं मनापासून अनेक अनेक धन्यवाद. हेच प्रेम आमच्यावर ठेवायचं. आणि अशीच उबदार छाल जी दिला त्याबद्दल उबदार वर्चस्व तुम्ही तगडा. जेव्हा जेव्हा इथे मॅचेस होतील तेव्हा तुमचा नेहमीच हातभार बघायला भेटतो. आपण स्थानापन्न व्हा आणि इथे मॅच बघणार आहोत. एक मिनिट आपण काय म्हणाल या स्पर्धेविषयी. ही एरिया तुमची आहे आणि ह्या एरियामध्ये तुम्ही लहानच मोठं झालात. कारण चित्रालय आलं का पहिलं शिल्पा हॉटेल शिल्पा हॉटेल आलं गंगोत्री आणि हे ग्राउंड असायचं. आपण प्रॅक्टिस करायचो आणि एकंदर ही मॅच बघता तुम्हाला कसं वाटतंय सर. आपको मालूम होगा स्पोर्ट्समैन को बोलना नहीं आता पर इतना ही बोलूंगा सभी लोगों को जो लोग भी यहाँ पे रहते हैं कि हर किसी को खेलने के लिए मैदान नहीं मिलता. अगर किसी को मैदान मिला है तो उस मैदान का दिन रात सुबह शाम फ़ायदा उठाइए. जितना हो सके प्रैक्टिस पे आइए और अपने एरिया से अच्छे स्पोर्ट्समैन को आगे बढ़ाइए. क्योंकि मैं जिस टाइम पर था उस टाइम पर हम लोग ने बॉयज़ चैम्पियनशिप थाले जिला की मारी थी. कंटिन्यू 2 ईयर्स किया था बट उसके बाद से लेके आज तक अभी तक बॉयज चैंपियनशिप एथलेटिक्स में नहीं मारी है. इतना ही मैं बोलूँगा कि स्पोर्ट्स में बढ़ो. इवेंट जीतने के लिए नहीं तो खुद के हेल्थ के लिए करो. इतना बोलूँगा. ऑल द बेस्ट सभी को. चला. आणि आता आम्हाला सर्वात जास्त आनंद होतो ही घरी बसला पण लाइव्ह मॅच बघत आहात. सुनील बिन साहब या. तुमचा आम्ही बोईसर नेटवर्क उनके लिए जोरदार चाहिए. हम घर बैठे जो यूट्यूब पे मैच देख रहे हैं उनके बिना मैच देख रहे उनके नेटवर्क की वजह से हम लोग कर रहे हैं. आणि राहुल सिंग या. आपण तुमच्याकडून एक मायाची उबदार शाल त्यांना सर राहुल सिंग. सर राहुल सिंग म्हटलं की बघायला मागते. कारण खरोखरच नेटवर्क म्हटलं तरच तुम्हाला ही मॅच घर बसता बघायला मिळते. आणि आज विश्व रेकॉर्ड केलाय. 1500 लोक ही मॅच बघतात. 1500 लोक लाईव्ह रेकॉर्ड या स्पर्धेचा. आणि खरोखरच हे बहुमूल्य वेळ तुम्ही आम्हाला दिलात आणि तुम्ही केलेल्या कामाबद्दल आणि आम्हाला केलेल्या ह्या मेहनतीबद्दल तुमचं मनापासून म्हणत आइए बैठिए. और बिलकुल गर्वांगी चूक ऐसे ही जुडे रही है इस पीव्हीटी कंपनी के साथ. कैसे लग रहा है आज यहाँ पे मैच है. आपका नेटवर्क देखने के बाद घर बैठे ये मैच पूरी देख रहे. देश विदेश में भी ये मैच देख रहे हैं. सर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके. इतना आदर सम्मान हुआ. थैंक यू. आइए मैच का आनंद आप लुटिए. आणि आत्ता जाने खरोखरच आपला संसार कसं चालवायचं. आयुष्यामध्ये एक स्ट्रगल आलं आणि त्या स्ट्रगलला देखील त्याने फाईट करून आपल्या 2 मुलांना जीवनामध्ये कसं शिकवायचं. आपला टिफिनचा व्यवसाय आहे. त्या टिफिनच्या व्यवसायाच्या माध्यमातून असंख्य काम करताना तुमच्या मुलाला आणि तुमच्या मुलीला शिकवताना तुमची मला काही गोष्टी कळल्या त्याबद्दल मी गर्वांगीत आहे. आणि या मॅडम तुम्हाला बाकी सन्मानित करतो. आणि मॅडम तुम्हाला सांगतो की तुम्ही त्यांना सन्मानित करता. या मॅडम तुम्हाला सन्मानित केलं जाते. मॅडम को कहेंगे की उनका सन्मान एक करेंगे. नाही नाही मॅडम करेंगी. मॅडम है हमारी. खरोखरच मॅडमचा जोरदार सत्कार करायला पाहिजे. मॅडम खरोखरच आपके बिना यहाँ पे लगता था जो भूखा रहता आपका डबा खा के खुश होता. क्या खाना है. ऑइल कमले है. क्या टेस्ट है. ऐसे कंपनी में आपका नाम लेता है. आज मुझे पता चला कि यही सख्त आप है. बिल्कुल बिल्कुल अनेक अनेक बने. जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी असायला पाहिजे. खरोखरच एका महिलेने एखाद्या महिलेला सपोर्ट कसा आया. चाय में मिठास कम है तो कैसे लगते ऐसे. बिल्कुल खरोखरच आपण बसा. इथे आल्याबद्दल आपला अनेक अनेक धन्यवाद. आणि आता लोक कॉमेंट ऐकतात बघतात ते मॅचचा आनंद घेता आला. बॅक टू हे अभिबेक है.
हाँ गिरी साहब तुम्ही राहिलात ना आमच्या मुकलेश गिरी साहब नेहमीच कधी पण आलात तर पाठीमागे असतात सर तुमच्याबद्दल जेवढं गोडावं तेवढं कमी आहेत आपण या आणि त्यांना सन्मानित करतील आमचे मायाची उबदार शाल देऊन सोनू यादव या मितेश गिरी साहेब खरोखरच आपण एक मोठं शक्त आहात आणि हे मोठी ब्रँड अँबॅसेडर टूर्नामेंट या बोईसर भागामध्ये बघत आहात आज खरोखर दिवसाची रात्र करून थोडंसं दिलगिरी व्यक्त करतो की पाहुण्यांचं कारण त्यांच्या स्पॉन्सरशिपमुळे एवढी मोठी मॅच आपल्याला बघायला मिळते निश्चितच याच्यावर मेसेज येतील की आपण कॉमेंट्री थोडीशी कमी ऐकायला मिळाली पण त्यांचा देखील सत्कार करणे आपल्याला आद्य कर्तव्य आहेत आणि बघायला मिळतं यस गिरीजी आप यहाँ पे पधारी आहे आप मॅच का आनंद और यही प्यार हमारे साथ ये पीव्हीटी के साथ जुडे रे बैठिए और मॅच का आनंद लुटिए आणि प्रमोद तिवारी साहेब आमचं यायचं आहे प्रमोद तिवारी साहेबांचं मनापासून आनंद कर आई ना नाही तिवारी साहेब भैया आप पहिले दिन से करे यहाँ पे तो आई है आई है साहब पवार तिवारी जी आपका बात ही ऐसा है दोस्ती कैसी रहती है एक तो पर्दे के पीछे और देश के आगे शोले पिक्चर आपने देखा था ना अमिताभ पिक्चर धर्मेंद्र की दोस्ती कैसी गाड़ी टूट गई तो भी ऑफिस इकट्ठा हो गई बघूया सोनू यादव और आप दोनों आइए दोनों मिलकर उनका स्वागत कीजिए नीरज यादव या एका वाघाचा सत्कार एक दुसरे वाघ करते असं बघायला जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे एक गुहेतला वाघ आणि एका गार्डन मधला वाघ असं बघायला भेटे फोटो खरोखरच एक मोठी बघायला भेटे टायगर दोनों टाइगर साथ में दिख रहे हैं और आज मैं आपसे बात करवा के ही रहूंगा नहीं 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 बोलेंगे ना हम आवाज बढ़ाएंगे ना सर सर गला बैठा है तो गोली है मेरे पास ये स्टेप्सिल लीजिए हो जाएगा ये भी लेके आया हूँ मैं क्या करें ना सर बेस्ट ऑफ लक फॉर पीवीटी कंपनी चलो जय चौहान साहब या जय चौहान आइए ह्यांच्यासाठी टाळ्या मारा खऱ्या अर्थाने रिच टू रिच त्या मनीचा ब्रेन कोण असेल तर हा जय चौहान तुम्हाला बघायला मिळतोय ज्याने अल्पावधीत कॉलेजच्या मुलांना एकत्र आणले आणि बऱ्याचशा मुलांना शिकता शिकता कसे पैसे कमवायचे हे तुम्हाला जय चौहानकडून बघायला व्हॉट अ स्टायलिश मॅन राहुल रॉय की याद आ रे क्या हेअरस्टाईल देखिए रोशन जैन के पास ऐसे ही कलाकार मिलेंगे सभी जुड़े हुए हैं चला सोनू यादव यांच्याकडून कर्तव्य केलं जातं एक मोठं व्यक्तिमत्व आम्हाला बघायला भेटेल रिच टू रिचच्या मनी माध्यमातून क्या कहेंगे बहुत ही अतिशय मोठं व्यक्तिमत्व तुम्हाला बघायला भेटेल रिच टू रिचच्या माध्यमातून चला आणि आता क्या कहेंगे अभी जो ऑर्गेनाइज किया वो मेरा दोस्त है मेरा क्लासमेट है तो अभी तक तो जितना ये साल में अभी मैच हुए है उससे अब तक तो सबसे बेस्ट हुआ है थैंक यू और एक बात कहना चाहूंगा जे पण आम्हाला टेक्निकल प्रॉब्लेम आले मग ते पोलीस स्टेशन जे असो तुम्हाला बाकीचे बोईसर ग्रामपंचायत असो आणि ते सर्व प्रॉब्लेम सॉल्व कोणी केलेत तर आमचा प्रश्न साठी जोरदार टाळ्या असायला पाहिजेत साऊंड सर्व्हिस मध्ये काही प्रॉब्लेम होते प्रशांत भाऊने आम्हाला जे सहकार्य केलंय त्याच्याबद्दल जोरदार सभी के लिए काफी आहे क्योंकि इलेक्शन आहे आचारसंहिता आहे म्हणून उनके रिश्ते ऐसे है कि हम रिश्ते के साथ रिश्ते बांटने का काम प्रशांत जी हमारे से करते हैं चला रोहित साहेब या तुम्ही आमचा अजून एक सन्मान राहिलाय रोहित या ना रोहित जी आणि अमित जी आपण देखील या अमित जी कुठे आहेत रोहित जैन है आइए अमित जैन है रोहित सर रोहित पुजारी सर तुम्हाला सन्मानित करण्यात आम्हाला अतिशय गर्व होतोय खूप चांगल्या पद्धतीचं काम तुम्ही केलं आहे आणि खरोखर इथे बघताना प्रत्येकाला आनंद होत आहे आमचा सोनू यादव सन्मानित करतोय इथे खरोखरच मायेची उबदार शाल आणि पुष्पजी होऊन आपण बघत आहात पुजारी साहेबांचं स्वागत करताना आम्हाला होतंय हास्य मुद्रा कशी असावी माणसाचा फेस कसा होता माणसाने बघितलं आनंदित कसा होता हे पुजारी साहेबांचं पूजेचं दर्शन आम्हाला बघायला मिळतंय आणि खरोखरच आपण घ्या एक मोठं व्यक्तिमत्व तुम्हाला बघत आहात कारण पाहुण्याचं स्वागत केलं पाहिजे एवढी मोठी ब्रँड टुर्नामेंट करतो स्पॉन्सर तुम्हाला बघा आणि आता जाऊया मॅचचा आनंद घेण्यासाठी जिथे आपल्या समालोचनाचा आवाज तुम्हाला मधुर ऐकवतात युसुफ सय्यद धन्यवाद दीपक सर परंतु जशा प्रकारे पंकज पालन
पंकज पाटील जेव्हा एंट्री केली मैदानाच्या तेव्हा सांगितलं जबीरचा विकेट मी घेईल आणि जबीरचा विकेट त्यांनी घेतलाय आणि पालघर एक्सप्रेस आहे अप्रतिम गोलंदाज ओव्हर क्रिकेटमध्ये नंतर सुद्धा अप्रतिम खेळतोय यावेळी निशांतच्या दारून चांगला फटका तेवढा चांगला क्षेत्ररक्षण आपण पाहू शकाल खेळाडूकडून धावांची गोष्ट जे धावा आहेत त्या 54 धावा धावफळका लगावले गेले येणार अजूनही दोन षटकाचा खेळ दोन चेंडूचा खेळ बाकीचे काय थांबवलं गेलं अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला भेटली यावेळी फटकाचा रेकॉर्ड आहे पंकज चेंडूला फील करतो अंडर थ्रो केला गेला फलंदाज सोहेल 17 चेंडू 25 धावांची बाजार खेळी साकारली सोहेल शेख मैदानाच्या बाहेर अफजल हाशमी बिल्ला कुठे असते आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स कडे या लगेच अफजल हाशमी आणि टॉस साठी यायचा टायटन संघ आणि एका बाजूला शिवाजीनगर दोन्ही संघांना टॉस साठी इनिंग बरोबर टॉस करणार आहोत आपण टायटन विरुद्ध शिवाजीनगर ग्रामीणचे दोन्ही संघ आहेत त्याचा टॉस केला यानंतर यावेळेस फटका सर केला तेवढा चांगला सत्यशन केला गेला अप्रतिम झा आणि डायरेक्ट हिट झालं परफेक्ट आपण पाहू शकाल सिद्धेशच्या माध्यमातून मात्र धावांची गोष्ट केली 6 षटके समाप्तीनंतर धावा येत्या 54 आणि 55 धावांचा पाठलाग करायचा आहे संघ मल्ल्याळे संघाची गोलंदाजी आवडल्याची तहा झाला पाहिजे संगम झाडे अल्लाळी संघाने अप्रतिम गोलंदाज क्षेत्रक्षण केलाय आणि पॅडसारख्या संघाला मात्र 54 धावावर थांबवलं गेलंय सर दीपक सर टॉस करून घ्या चला दीपक सर टॉस करून घ्या पुढच्या सामन्याचा लगेच टायटन विरुद्ध शिवाजीनगर सर आपण जातो इथे टॉस करण्यासाठी टायटन आणि शिवाजीनगर आपण आतापर्यंत टॉस केलेला नाही आहे आपण टॉस करतो ताई या ना ताई या तुमच्याकडून टॉस करूया आपण या टायटन आलेत का टायटन संघ कॅप्टन रेडी यस आणि शिवाजीनगर कॅप्टन मॅडम या टॉस साठी शिवाजीनगर कॅप्टन आहेत का ओके केदू काय बॅटिंग काय बॉलिंग बघायला मिळते सालोड महोत्सव आमच्या शिवकन्या ग्रुपचं मी कौतुक करेन मॅडम इकडे या ना हा चला एक आपण बघत आहात दीपक जी देखिए इनका प्यार है और दोनों टीम मेरी है थैंक यू चला आपण टॉस करणार या मीच करून टाकतो एलईडी एलईडी वाले कहीं पर म्हणलं तुरंत आइए एलईडी वाले निखिल वडे फील्डिंग करेंगे कितने रन से रोकने की कोशिश करेंगे सर 30-35-40 तक इनको रोकने की कोशिश करेंगे 6 ओवर का मैच है हां सर 6 ओवर की मैच ओके काही बदल आहे का कालची रात्र तुम्ही गाजवली आम्हाला बघता आलं नाही कारण खरोखर तुमच्या शिवकन्या ग्रुपने सालोड महोत्सव केला आणि बघता बघता सालोड गावची ख्याती देशापलीकडे पोहोचते खरोखर तुमच्याकडे तुमचं कर्तव्य आहे आणि येत्या 2 वर्षात तुम्ही जो प्रोग्रेस केलाय सालोड संघाने त्याबद्दल काय म्हणाल हो आहे नवीन चेंजेस आहे आदित्य पाटील आणि राजेश मोरे आणि मनीष बद्दल काय म्हणाल मनीष अप्रतिम ओके चला ऑल द बेस्ट दीपक ऑल द बेस्ट केदू पॅराडाईस टीम की एंट्री होती इस वक्त पेवडी चषकमेवर हमारे मेहमान मकान भारती वरिष्ठ पत्रकार उनका भी आगमन होता हुआ चला बैटर अनिकेत लगेच बैटर पाठवा लगेच बैटिंग करने वाली टीम इस वक्त हेलो चेक तो देखेंगे इस वक्त 55 रनों का पीछा करने के लिए 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर आर्या और अनिकेत दोनों ही बल्लेबाजों पर निगाह होंगी संगम अल्लाली टीम को जीतने के लिए 6 ओवर में ये अच्छा बैटल होगा कयूम सैयद साहब आपका भी हार्दिक स्वागत हमारे बड़े भाई इस मैच का आनंद ले रहे हैं मान फिशिश के ऑनर कयूम सैयद साहब वेलकम और हमारे भतीजे साहब आपका भी सैयद साहब आपका भी वेलकम होगा टॉस
तो बेस्ट ऑफ लक दोनों ही टीमों के लिए देख सकते हैं इस वक्त दो बल्लेबाज मैदान के अंदर, एक तरफ आर्या और एक तरफ अनिकेत राउत। जरूर हम देख सकते हैं इस वक्त हेलो हेलो, तो पशुपन का पीछा करने के लिए नागो नागो बॉल चॉइस के लिए नागेंद्र, प्लीज बॉल चॉइस करवाइए। टॉस किया जाएगा तुरंत, आपको चॉइस का ध्यान रखिएगा नागेंद्र। तो पहली ओवर की पहली गेंद विशाल आगरे, स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंड बैटर मिस्टर आर्या। आर्या इस वक्त बॉक्स आउट के रूप में, चंदन सिंह के इस वक्त बैनर को सलामी देने वाला बॉक्स आउट के रूप में आता हुआ। पहला झटका आर्या इस वक्त बैक टू डगआउट, पहला विकेट गॉन। इस वक्त डीजे होता हुआ ऑन। तो जरूर हम देख सकते हैं थोड़े ही क्षणों में आदरणीय सम्मानीय उमाकांत जी भारतीय उनका आगमन होता है। जरूर पालघर जिले के कथित विश्वास निष्ठावान वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत भारती को दैनिक मुंबई हिंद माता टाइम न्यूज़पेपर उप संपादक पद पर नियुक्ति मिली है। तो हमारे पीवीडी चर्चा के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद होगी उमाकांत भारती सर। और इस वक्त नए बल्लेबाज आए और नए बल्लेबाज मैदान के बाहर सिद्धार्थ बैक टू डगआउट। जिस खिलाड़ी ने आखिरी गेंद पर निशांत का रनआउट करके विकेट चटकाया था वो बल्लेबाज बैक टू डगआउट। चला सन्मान्य नदीम उर्फ चिरा साहेब आपण वरती या, आपल्याला पीव्हीटी मध्ये आमंत्रित केलं जात आहे। जरूर हम देख सकते हैं इस वक्त आदरणीय सन्मान्य विकास सिंह सर संपादक जागरूक पालघर न्यूज पेपर के, उनका भी आगमन होता है। वेलकम सर, आपका भी हार्दिक स्वागत होगा। चलेंगे मैदान का हैट्रिक पर होंगे इस वक्त गेंदबाज। और क्रॉस बैट खेलने का प्रयास था निलेश मिश्रा, छोटू गेंद को फील्ड करेंगे मगर कोई रन नहीं। 55 रन का पीछा करना पहली दो गेंद और विशाल आगरे साईनाथ के हीरो हैं, साईनाथ नगर के और साईनाथ के सपोर्टर भी यहां पर हैं। साईनाथ नगर के महेश दौड़ के विजय निवड़ के निलेश चौहान उनको सपोर्ट करते हुए यहां पर एक सिंगल जरूर बटर आ गया। एक सिंगल के बाद स्कोर कार्ड खाता खुलता हुआ इस वक्त संगम अल्याली का, मगर अनिकेत राउत जब तक मैदान पर आशाएं जरूर उजागर होंगी टीम की। अनिकेत ने बेहतरीन, कल दो बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच लिए अनिकेत ने। पहले मैच में 25 रन की बेहतरीन पारी खेली, दूसरे मैच में 18 रन बनाए थे और उसी के बदौलत संगम अल्याली सुपर एट में पहुंची है। और इस वक्त अनिकेत राउत पालघर से बिलोंग करने वाले, अल्याली से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी इस वक्त मैदान के अंदर नजर आएंगे बल्लेबाजी के लिए। इस वक्त टैप का फटका, वहां पर जबीर खान है, वॉलीबॉल के कोच हैं जबीर, और वॉलीबॉल किस तरह से खेला जाता है इस गेंद पर उन्होंने बताया। और गेंद को स्मैश किया गया मैदान के अंदर, सेंसिबल क्रिकेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। इस वक्त आखिरी गेंद पर सिंगल बटर आ गया, एक सिंगल के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए स्कोर कार्ड पर जा पहुंचा दो। पहली ओवर समाप्त हुई, एक ओवर की समाप्ति के बाद दो रन दो विकेट स्कोर कार्ड पर। आने वाले अभी भी 30 गेंदे बनाने 53 रनों का लक्ष्य होगा इस मैच को जीतने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं बैटर बढ़िया होने वाला है। राहुल माली एक तरफ अनिकेत राउत, दो सलामी बैटर मैदान के अंदर है। हम देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर रिस्ट टू मनी अकेडमी एंट्री एंड एग्जिट, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट, रिस्टो मनी के माध्यम से ये बैनर दिखाए जा रहे हैं आपको। मार्केट क्रैश में पैसा कमाना सीखो और शॉर्ट सेलिंग एक्सप्लेन किस तरह से आपको सीखना है तो रिस्टो मनी में आकर आप ज्वाइंट होइए। जयेश चौहान और उनकी टीम हमारे मुख्य मंच पर है, पूरा गाइडेंस आपको उनके माध्यम से दिया जाएगा रिस्टो मनी के माध्यम से, जिनके माध्यम से इस प्रतियोगिता में पहली इनामी राशि दी गई है।
इस वक्त रिहान गेंदबाजी के लिए, रिहान टू मिस्टर अनिकेत। पहली गेंद टैप करने का प्रयास, वहां पर मुबारक शाह गेंद को फील्ड करते हुए नजर आएंगे। डॉट बॉल, तो सात गेंदें भी डाली जा चुकी, मात्र दो रन लगे स्कोर कार्ड पर। इस वक्त हल्के बल्ले से खेला गया, विशाल आगरे गेंद को फील्ड करेंगे। जब तक गेंद को फील्ड किया गया, एक सिंगल जरूर बटोरा गया। थोड़ी सी खराब शुरुआत की, आर्या शून्य पर आउट हुए, सिद्धार्थ शून्य पर आउट हुए, पचपन का पीछा करना था। कहते हैं जब आप रनों का पीछा करते हैं आपको एक धीमी शुरुआत की जरूरत है, शुरुआत कैसी भी हो, धीमी हो या तेज, मगर शुरुआत आपको करनी चाहिए। अगर पहले ही आप लड़खड़ाते हो, आने वाले खिलाड़ी को जरूर थोड़ी सी तकलीफात शामिल होती है। तो यहाँ पर तो पहले दो गेंदों दो विकेट है, थोड़ा सा मुश्किल पैदा होंगी जो बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज, मगर अनिकेत पर निगाहें होंगी। एक तो राहुल माली अभी तक दो गेंद, एक पर बल्लेबाजी कर रहे राहुल। रिवर्स खेलने का प्रयास था, शुभ खूबसूरत शॉट, अरुण शाहू गेंद को फील किया गया था, थ्रो किया गया था, मगर मुबारक गेंद को गैदर नहीं कर पाया। मगर अरुण की तारीफ करनी होगी, बादल नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी। हालांकि बादल की बात की जाए, बेहतरीन फील्डर बेहतरीन बल्लेबाज है, मगर पिछले साल से गेंदबाजी की शुरुआत की, अंडर बॉक्स में बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की है, सुपर सिक्स में तेज तर्रार गेंदबाज के रूप में उन्हें जाना जाता है। फुल टॉस बॉल दिशा दी वहां पर, जबीर खान गेंद को फील्ड करते हुए और रिहान जाकर जब तक गेंद को गैदर करेंगे। डॉट बॉल, चार रन पर रुका हुआ स्कोर कार्ड। गेंदों की बात की जाए, चार गेंदें हो चुकी, दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। पीवीडी चषक 2024 की आखिरी रात हम देखते हुए इस वक्त फ्लिक कर दिया, कलाइयों के सारे से गेंद को खेल दिया विशाल आगरे। जब तक लॉन्ग लेग पर आकर गेंद को रोकेंगे तब तक सिंगल बटोरा गया। आशीष मिश्रा कहीं पर भी आइए तुरंत, आशीष मिश्रा हमारे मंच पर आइए कहीं पर भी हो। तो 55 का पीछा है, पांच लग चुके यहां से बनाने 50, राहुल स्ट्राइक पर होंगे। रियान फिर से बार गेंदबाजी के लिए, फुल टॉस बनाकर खेला बेहतरीन चार। इस वक्त पीवीटी चौका आता हुआ राहुल के बल्ले से, ओवर नंबर समाप्त होते हुए दो ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन लगे स्कोर कार्ड पर। आने वाले भी बात की जाए, 24 गेंदे बनाने इस मैच को जीतने के लिए, 46-46 रनों का लक्ष्य होगा इस मैच को जीतने के लिए। तो चलेंगे मैदान के अंदर फिर से एक बार, और इस वक्त विशाल आगरे, तो पहली गेंद डॉट, अच्छी नहीं गेंदबाजी की जा रही इस वक्त, डॉट बॉल। इस वक्त बल्ले का अंदर सिरा, वहां पर नीलेश रनआउट लेना चाहते थे मगर देख सकते हैं बिंदी गेंद, लगातार दो गेंदे डॉट आई। विशाल ने अच्छी गेंदबाजी की, अभी तक अपने स्पेल में आठ गेंदे डाली हैं, आठ गेंदों में मात्र दो रन खर्च किए और दो विकेट अभी तक चटका चुके हैं, बेहतरीन गेंदबाजी। अगर अनिकेत इस वक्त मैदान के बाहर अनिकेत इस वक्त मैदान के बाहर है, विशाल ने तीसरा विकेट चटका। और इस मैच में अगर कोई बल्लेबाज लगातार तीन चौके लगाएगा तो रिजवान शेख साहब की तरफ से 500 रुपए का इनाम होगा। एटीएम अभी ओपन हो चुके, अभी भी आने वाली चार मैचेस बाकी हैं, इसके बाद चार मैचेस देखेंगे। तो शेयर मार्केट के माध्यम से रिस्टोरमेंट के माध्यम से पहला बख्शीश दिया गया, यहाँ पर शेयर मार्केट भी देखने को मिलेगा, हर एक मेहमान के पॉकेट से पैसे निकलेंगे खिलाड़ियों के लिए। इसके बाद टाइटन टीम खेलती हुई नजर आएगी, उनके खिलाफ शिवाजी नगर नजर आएगी, तो उस मैच में भी शेयर मार्केट काफी हाई होगा। इस वक्त पंकज पाटिल नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, पंकज आएंगे। खराब गेंद, नो बॉल डाली गई और नो प्लस वन एक्स्ट्रा के रूप में दोनों आएंगे। पैरों पर गेंद लगी है ना पंकज की, मगर संगम मल्याली के खिलाड़ियों की तारीफ करनी होगी। हालांकि अनिकेत ने बहुत सालों से अंडरम क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, मगर ओवरम क्रिकेट पंकज और अनिकेत लगातार खेल रहे हैं, मगर इस प्रतियोगिता में अनिकेत और पंकज ने बेहतर प्रदर्शन किया। फील्डिंग हो, बैटिंग हो या फिर गेंदबाजी, अनिकेत ने इंप्रेस किया, पंकज ने भी गेंदबाजी और फील्डिंग काफी बेहतरीन की है। कल का अगर आप पंकज की फील्डिंग देखें तो अंडरम बॉक्स के इतने हाइट के खिलाड़ी 7 फुट की खिलाड़ी, मगर जो डाइव लगा गेंद को रोका था, काफी बढ़िया फील्डिंग उन्होंने की थी। इस वक्त ऑफ ब्रेक गेंद टप्पा के अंदर की ओर आई, एक सिंगल बटोरा, एक सिंगल के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड कन्वर्ट होता है 12 अंकों पर। गेंदों की बात की जाए, गेंदी हो चुकी इस वक्त,
इस वक्त टैप करना चाहते थे वहां पर सोहेल है, सोहेल ने अच्छी बल्लेबाजी की, जबीर थोड़ा संघर्ष कर रहे थे, बाउंड्री आई थी मगर सोहेल ने इंप्रेस किया, अच्छी बल्लेबाजी की सोहेल ने इस मैच में। इस वक्त टैप खेला गया, अरुण शाह गेंद को फील्ड करेंगे, जब तक थ्रो किया गया एक रन तेजी से बटोरा गया। बात की जाए राहुल को आठ कदम लगते हैं तो पंकज छह कदमों में रन पूरा कर रहे, इतनी हाइट है उनकी और काफी लंबे पैरों से दौड़ते हुए नजर आए। ओवर समाप्त हुए तीन, तीन ओवर के समाप्त के रन लगे 13, तीन विकेट के नुकसान पर। इस वक्त रेहान को बुलाया गया, अपने कोटे की दूसरी ओवर लेकर आ रहे टीम की तरफ से चौथी ओवर, पीवीडी चषक 2024 राहुल सिंह सोनू यादव और पूरी टीम के माध्यम से एक बेहतरीन प्रतियोगिता इस वक्त। ओहो गुड नॉट एक और चौका देख पंकज पाटिल, क्या बल्ले से आता खूबसूरत चौका। आज पंकज इस वक्त अलग मूड में, मैंने कहा ना जैसे मैदान के अंदर आए थे कुछ चर्चा हुई थी हमारे से और अच्छा खेल उन्होंने दिखाया, जबीर जैसे बल्लेबाज को बॉक्स आउट करके मैदान के बाहर भेजा, इस वक्त एक बेहतरीन चौका लगाया और रनों को पहुंचाया 17 अंकों पर। यहां से अभी भी बात की जाए 38 बनाने, 38 रनों का लक्ष्य होगा इस मैच को जीतने के लिए। इस वक्त सीधे गेंद डाली गई, क्रॉस बैट खेलने का प्रयास था, गेंद आकर समावेश होती हुई नीलेश मिश्रा इनके हाथ में डॉट बॉल, जो टीम जीतेगी जरूर सुपर फोर में क्वालिफाई करेगी। एक तरफ संगम अल्याली पालघर और एक तरफ बात की जाए पैराडाइज बॉयज पर ये टीम नजर आती हुई। इस वक्त सीधे बल्ले से खेला गया, जरूर हम देख सकते हैं ओमसा स्पोर्ट्स के माध्यम से ब्रांड ऑफ धनसार हर्षद कैमरा और ब्रांड ऑफ कटाले अक्षय राउत अक्षय घरत इनके छोटे भाई तने घरत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैमरामैन की भूमिका में। करारा स्मैशर मगर जबीर ने इस वक्त गेंद को रोका है, जितनी तेजी से गेंद आई उतनी तेजी से गेंद को खेला था, उतनी तेजी से गेंद को रोका भी गया। ये गेंद पर बैटिंग गेंदबाजी और फील्डिंग बेहतरीन देखने को मिली है 17 पर 3। और इस वक्त फ्लिक करने का प्रयास था विकेट कीपर के गेंद को फील्ड करते हुए, बैकअप के लिए खिलाड़ी नहीं थे और अंपायर ने नो बॉल दर्शाया, नो प्लस वन यानी दो रन आए हैं, दो रनों के साथ स्कोर कार्ड जा बचा 19, यहां से बनाने अभी भी 36, 36 रनों का लक्ष्य होगा। नो बॉल दिया गया अंपायर द्वारा, प्लीज एक एक रिव्यू आपको दोनों टीमों के लिए दिया गया है ये ध्यान में रखिएगा, अंपायर का कॉल नो बॉल आया है सर, फील्डिंग करने वाला टीम रिव्यू, फील्डिंग करने वाली टीम ने रिव्यू लिया नो बॉल के लिए। तो सर पीवीटी चषक 2024 हम देख रहे हैं सोनू यादव राहुल सिंह और पूरी पीवीटी के माध्यम से यह प्रतियोगिता, जिस तरह से ट्रॉफीज की बात की जाए पीवीटी की बात की जाए इस वक्त जो ट्रॉफी पहली ट्रॉफी दी गई सम्माननीय आनंद जी प्रसाद इनके माध्यम से पहली ट्रॉफी दी गई, पहले इनाम राशि की बात की जाए रिष्टुमणि के माध्यम से फर्स्ट इनाम राशि, सेकेंड इनाम राशि हम देख सकते हैं इस वक्त सौरभ अप्पा युवा सेना पालघर इनके माध्यम से दी गई है। और पीवीटी टीम की बात कीजिए अच्छा काम कर रही है पूरी कमेटी बेहतरीन काम और लगातार तीसरे साल में कुछ इस टूर्नामेंट अलग देखने को मिला, तीन दिन हम एलईडी देख रहे हैं और जिस तरह से गेंद वैगन व्हील पर गेंद को अंदर बुलाया जा रहा है, गाड़ी पर गेंद आ रही कुछ अलग देखने को मिला, हर एक टीम के लिए आतिशबाजियां की जा रही है, मेहमानों के लिए आतिशबाजियां की जा रही है, अंपायर इनफील्ड के अंदर आएंगे और अपना डिसीजन नो बॉल है, इसको लेकर अंपायर दोनों ध्यान में रखेगा, नागेंद्र और तेजस आपकी नजरें थोड़ा अंदर ध्यान में रखेगा, डिसीजन काफी मैचेस काफी क्रूशियल है तो एक एक डिसीजन काफी महत्वपूर्ण होता है, एक एक गेंद पर जो डिसीजन आता है वहां से टर्निंग पॉइंट होगा ये ध्यान में रखेगा प्लीज। मैच शुरू करें, नो बॉल डालेगी 19 रन लगे स्कोर कार्ड पर, यहां से बात की जाए बनाने 36 फुल टॉस बॉल टैप करने का प्रयास था, काफी पहले ही खेल चुके थे बल्लेबाज, थोड़ा वेट करके खेलते तो चौका बन सकता था मगर जैसे ही गेंद को खेला बल्ले के निचले टो में गेंद लगी, निशांत पवार इनके हाथों में गेंद गई डॉट बॉल जरूर आती हुई, अभी भी आने वाले आखिरी गेंद नहीं 19 गेंदे 36 का लक्ष्य होगा, 19 गेंद में 36 बनाने, माफ कीजिएगा 13 गेंदे 36, छोटी गेंद शॉट तो बढ़िया खेला अरुण शाह गेंद की तरफ आए, गेंद को फील्ड किया गया मगर पंकज ने कोई रनने का प्रयास नहीं किया, 12 गेंदे 36 बनाने, 18 के औसत से रन बनाए जाएंगे इस मैच को जीतने के लिए।
जो भी दर्शक यहाँ पर पहुंचे सभी का हम पीवीटी दर्शक के माध्यम से स्वागत किया जाएगा। जो भी इस मैच का आनंद लेंगे, देखिए ना क्रिकेट की जान, क्रिकेट की जान दर्शक होते, अगर दर्शक ना हो तो क्रिकेट के खेलने वाले खिलाड़ी को मजा नहीं आता। जो भी दर्शक यहाँ पर जुड़े हुए सभी का हम वेलकम करना चाहेंगे। चलिए ज्यादा वक्त न ले, अभी हमें बहुत से मैचेस खिलाने विशाल आ गए कप्तान, चलिए मैच शुरू करें। ओम सर स्पोर्ट्स के माध्यम से हम देखते दोनों ही कैमरा दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, और एक पॉइंट पर जो कैमरा मैन है तने घरत, तो मैन फ्रॉम काटाले अक्षय घरत के एक छोटे पर, अक्षय घरत ने पालघर क्रिकेट का नाम काफी ऊंचाई पर लेके गया है। उनके नाम एक सेंचुरी, एक मैडम सिल बाइक भी है, उनके छोटे भाई कैमरामैन की भूमिका में, और धनसार के चॉकलेट बॉय हर्षद कैमरामैन नजर आ रहे हैं हमारे सामने। अरुण शाहू की पहली गेंद फ्लिक कर दिया गया, जब तक नीलेश गेंद को फील्ड कर दे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने हल्के कदमों से एक रन पूरा किया। एक रनों के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा 20, यहां से बनाने 35, आने वाली 11 गेंदे 35 रनों का लक्ष्य होगा इस मैच को जीतने के लिए। यहां से ना बात की जाए ना 8 चौके और 3 सिंगल आपको लगाने, यानी 11 गेंदों में 3 सिंगल 8 चौके लगाने हैं। ओहो कुछ अलग करने का प्रयास, व्हाइट बॉल जरूर आई है, एक्स्ट्रा गेंद डाली गई। रनों की बात की जाए 21, ओहो खूबसूरत गेंद, उतनी खूबसूरत विकेट कीपिंग डॉट बॉल। तो अरुण की बात की जाए, अरुण के पास क्षमता है दोनों ही दिशाओं में गेंदों को घुमाने का, एक ही टप्पे पर लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक गेंदबाजी कर सकते हैं, ये कला कुवत इनके पास है। मैंने कहा ना सुपर सिक्स में तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं, और मगर पिछले साल से इन्होंने अंडर बॉक्स में गेंदबाजी की शुरुआत की और हर एक बल्लेबाजों को यहां उन्होंने आश्चर्यचकित किया अपने गेंदबाजी से। इस वक्त संदीप कनौजिया गेंद को फील्ड करेंगे और राहुल माली को जाना होगा मैदान के बाहर। राहुल की बात की जाए 9 गेंदे खेली, 9 गेंदे 7 बनाकर बैक टू रक आउट। तो देखेंगे नए बल्लेबाज मिस्टर हर्षद नॉस्टक इन पर होंगे। इस वक्त एक रन पंकज के बैट से आता हुआ, एक सिंगल, एक सिंगल के साथ स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर कार्ड जा पहुंचे इस वक्त 22 पर जा पहुंचे, काफी धीमा मैच चलता हुआ। सीधे बल्ले से खेल दिया, जबीर से मिस फील्डिंग होती है इस वक्त, जबीर ने डाइव लगाया था मगर हर्षद के बल्ले से पहली गेंद खेली उन्होंने और चौका बटोरा। कहीं ना कहीं जो विशाल का दबाव था ना, विशाल आगरे का, वहां से अलग टीम उभर नहीं पाई, जरा लगातार उन्होंने विकेट चटकाए, 3 विकेट 2 ओवर में चटकाए उन्होंने। फुल टॉस बॉल फिर से एक बार बैक टू बैक, दूसरा चौका और उनके ऊपर हल्ला बोल। थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं इस वक्त पंकज, वहां पर कुछ चर्चा कर रहे हैं और नियमों के नाम से बात की जाए, पंकज के पास बहुत नियम से एसपी स्पोर्ट्स के मालक हैं, एसपी स्पोर्ट्स के माध्यम से देखा जाए तो अच्छी वैरायटी उनके प्रोवाइड कराते हैं, बैट्स हो, शूज हो और इनरवेयर हो, ट्रैक टी शर्ट। उससे अनिकेत की बात की जाए, अनिकेत राउत वी स्पोर्ट्स के ऑनर हैं, उनके माध्यम से बहुत से ब्रांडेड टी शर्ट्स कपड़े और बात की जाए शूज वगैरह बैट्स प्रोवाइड करते हैं। और पालघर के कैप्टन कूल हैं, जब जब पालघर जिले की टीम बाहर खेलते हैं उसके कैप्टन होते हैं, ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के बाहर भी उनका खेलने का प्रयास हुआ है। और पंकज ने यहाँ पर टैप लगाया, अगर कोई भी बल्लेबाज हैलोजन के ऊपर से चौका लगाता है तो 2000 का इनाम सोनू यादव की तरफ दिया जाएगा हमारे मुख्य आयोजक की तरफ से। और यहां पर जबीर के खिलाफ, एक तरफ अंडरम बॉक्स का बादशाह तो एक तरफ ओरम क्रिकेट के रफ्तार का बादशाह, पंकज पाटिल टू जबीर खान ये बैटल है। 2 गेंदों पर 2 चौके लगा चुके हैं, अभी तक 12 गेंदे 16 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहां से अगर बात की जाए रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए, 4 गेंदे 17 अगर इस मैच को जिताते पंकज पाटिल तो 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बैठा खेलने का प्रयास था विशाल आगरे, गेंद को फील्ड करेंगे मगर रोका गया। विकेटों की बात की जाए, 4 विकेट संगम अल्लाली के आए हैं, और पैराडाइज की बात की जाए, पैराडाइज ने मात्र 3 विकेट गवाए हैं। फिर से एक बार टैप का फटका, सोनू यादव के बैनर को सलामी करने वाला पीवीटी 4। पंकज की बैटिंग पसंद है, जो तालियां बजनी चाहिए पंकज के लिए, पंकज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से एक बार थोड़ा दूर रखा था, हाइटेड बल्लेबाज है मगर जिसे पहला उन्होंने चौका लगाया था ना, बैठक पैराड सिप काफी खूब था, उसके बाद एक टैप, एक करारा स्मैशर, एक गेंद का खेलना बाकी, एक गेंद 17 की दरकार है। फिर से एक बार
शॉट बढ़िया, मगर संगम मल्लाली टीम के लिए तालियां बजनी चाहिए। ओरम क्रिकेट के खिलाड़ी है, मगर अंडरम बॉक्स में बेहतरीन तरीके से खेल खेला गया। हार्ड लक पंकज पाटिल, अनिकेत राउत, हार्ड लक इस मैच में जीतती हुई तीसरी टीम पहुंच चुकी।